आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के कुछ खूबसूरत गांवों से परिचित करवाने वाला हूं। साथियों, ये खूबसूरत दृश्य है पिंडर घाटी का। पिंडर घाटी के अंतर्गत थराली ब्लॉक के कुछ खूबसूरत गाँव जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं, आज उन गाँव की खूबसूरती से मैं आपको परिचित करवाने वाला हूं। साथियों, थराली और उसके आसपास के गांव जो हैं उनमें से सबसे पहले बैनोली, उसके ऊपर आपको देवराड़ा, तुंगेश्वर, सुन्नू एवं लोल्टी जैसे खूबसूरत गांव नज़र आएंगे। पिंडर घाटी का प्रत्येक गांव अपने किसी न किसी विशेषता के लिए पहचाना जाता है। पिंडर घाटी में बसने वाले इन गांवों के खूबसूरत दृश्य बड़े ही मनमोहक होते हैं। यहां के जो जंगल हैं वो गांवों के बेहद समीप होते हैं। यहां के जंगलों में आपको हर प्रकार के वृक्ष मिल जाएंगे जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ज़रूर करता है। पिंडर घाटी के ये खूबसूरत गांव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पिंडर घाटी को पिंडर नदी ने दो भागों में विभाजित किया है। पिंडर घाटी के एक भाग को गंगाड़ के नाम से जाना जाता है और दूसरे भाग को गंगसार के नाम से जाना जाता है। गंगाड़ और गंगसार दोनों ही पिंडर घाटी का भाग हैं। इन दोनों ही भूभागों में बसने वाले गांव पिंडर घाटी को बनाते हैं। पिंडर घाटी के गंगाड़ क्षेत्र में बसे गांव बधाण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं गंगसार में बसे गांव धारपट्टी, सोलपट्टी आदि नामों से जाने जाते हैं। सोलपट्टी में लगभग 16 से अधिक गांव स्थित हैं जहां 30,000 से 40,000 की आबादी है। वहीं दूसरी ओर धारपट्टी में लगभग 6 गांव स्थित हैं जहां की जनसंख्या 10,000 से 15,000 के आसपास है। धारपट्टी में बसे गांव डूंगाखोली सबगवाड़ा, कुराड़, लेटाल, कलचुना, घुंगुटी, पारथा, कोनी, ये स्थान पर्यटन के लिहाज से भी कई मायने में खास और खूबसूरत हैं। ये मसूरी की तरह दिखने वाली खूबसूरत दृश्यों जैसा है। जैसे जैसे सूरज ढलता है यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ने लगती है। सूरज का यह खूबसूरत दृश्य प्रकृति को और भी सुंदर बना देता है।